हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। और इसे सर्दियों में लड्डू ज़रूर खाना चाहिए मेथी के। इससे कमर दर्द, घुटनों का दर्द नहीं होते हैं हमें तो सेहत से भरपूर है। और तो एक बाटी मैंने मेथी लिया है, तो चलिए इसे हम पहले पीस लेते हैं मिक्सी जार में डाल के। तो देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और ये हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह का हमें पीस लेना है मिक्सी जार में। फिर इसे एक बाउल में निकाल देंगे और एक कप दूध डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं और फिर इसे हम रख देंगे ढक के 1 से 2 घंटे के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, बादाम लिया है, काजू, गोंद, मखाना, नारियल बुरादा और चिरौंजी। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उससे भी बना सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसे हटा सकते हैं। तो देखिए, मैंने गैस पे पैन रख दिया, इसमें नारियल बुरादा को पहले हम रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें ऐसे ही रोस्ट करना है क्योंकि इसमें पहले से नारियल में तेल रहता है। तो चलिए, इसे हमने भून लिया, इसे निकाल देंगे। देखिए, अच्छे से भून गया है, खुशबू भी आने लगी है। फिर इसे निकाल देंगे। फिर इसी सेम पैन में हम घी डाल देंगे 1 से 2 चम्मच। फिर इसमें हम बादाम डाल देंगे, बादाम को भी हमें भून लेना है। सभी हमें ड्राई फ्रूट को भून के ही लेना है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है लड्डू में। तो देखिए, बादाम को मैंने डाल दिया है और इसी के साथ हम काजू भी डाल देंगे। बादाम में टाइम लगता है तो इसीलिए हमने पहले डाला है। आप चाहे तो अलग अलग एक एक करके इसे भून सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए, बादाम और काजू अच्छे से भून गए हैं, कलर सुनहरा आ गया है। इसे निकाल लेते हैं और इसी पैन में हम फिर से मखाने को भी डाल देते हैं, मखाना भी हम भून लेंगे। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट को इसे भून लेंगे। फिर इसी के साथ हम डाल देंगे वाटरमेलन सीड और चिरौंजी, इसे भी भून लेंगे। इसे भुनने में टाइम नहीं लगता है, तो इसे हमें बस थोड़ा सा भुनना होता है। तो इसे भी हम भुन के निकाल लेंगे। तो हमने देखिए भुन चुका है, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे नहीं तो जल जाएंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सारे चीज़ें भुनना है हमें। तो फिर सेम पैन में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। फिर इसमें हम गोंद को भी भून लेंगे, फ्लेम को लो ही रखें। तो इसे भी हम देखिए लो फ्लेम पे ही भुनना है, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। तो देखिए, गोंद भी हमारा अच्छे से भुन रहा है, फूल गया है। तो इसे भी हम तो गोंद भी देखिए भुन गया है, इसे भी निकाल लेंगे हम। इसी तरह से हम बाकी का भी गोंद को भुन लेंगे। तो देखिए, इसे भी डाल के हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भी भून लेना है। तो देखिए, सारे ड्राई फ्रूट हमने भून लिया। इसे मिक्सी जार में डाल के इसे हमें दरदरा पीस लेना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, मीडियम ही पीस लेंगे। तो देखिए, इस तरह का मैंने पाउडर इसे बना लिया है और इसे हम रख देते हैं साइड में, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो गोंद को भी हमने अलग रख लिया था, इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि ये बड़े पीस ना रहे, छोटे छोटे पीस हो जाए। फिर इसे भी हम लेते हैं। तो देखिए, मैंने नारियल बुरादा भुना था, उसी में सब मिक्स कर लेंगे एक साथ में सारे। इसे भी डाल देते हैं। तो सभी चीज़ें हमने एक साथ रख दिया है और इसे रख देते हैं ढक के। फिर हम आगे बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दिया, इसमें डाल देंगे 4 चम्मच घी। फिर इसमें हम डाल देंगे 2 कप आटा गेहूं का। इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से भून लेना है, जब तक इसमें सुनहरा कलर ना आ जाए और आटे से खुशबू ना आने लगे तब तक हमें इसे भूनना है, तभी बढ़िया टेस्ट आएगा लड्डू में। तो देखिए, इसी तरह से हमें भूनते रहना है लगातार चलाते हुए। तो देखिए, आटा भी सूखा लग रहा है, तो इसमें घी डाल देंगे। तो घी हमने पहले कम डाला था, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डाल देंगे। तो इसी तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे और भून लेंगे इसे भी।
थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। इस तरह से डालते हैं तो आटा अच्छे से भूनता है, पहले ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ही टाइम लगता है। तो देखिए तो आटा भी अच्छे से भून चुका है, कलर सुनहरा आ गया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं, फिर हम भी देख लेते हैं। तो देखिए मेथी फूल के बहुत ही ज़्यादा डबल हो गया है, और इसे भी देखिए अच्छे से फूक गई है मेथी। तो मेथी को हम इसे अच्छे से अलग कर लेंगे। तो गैस पे मैंने सेम कढ़ाई रख दिया है, फिर इसमें घी डालेंगे 4 चम्मच, फिर इसमें हम डाल देंगे मेथी का ये पेस्ट। तो देखिए मेथी को भी इसमें डाल के हमें गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से भून लेना है। इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और सर्दियों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। और तो देखिए इसी तरह से हमने अच्छे से भून लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसे निकाल लेते हैं, और देखिए मैंने पाउडर लिया है जैगरी का। आप चाहें तो इसे गुड़ में बना सकते हैं, शक्कर में। तो मेरे पास ये पाउडर था इसका, गुड़ का जैगरी पाउडर। तो मैं इसी से लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि ये हेल्थी होता है अपने सेहत के लिए। तो देखिए सारे हमने जो भी तैयार किए थे ड्राई फ्रूट, नारियल बुरादा, आटा, मेथी सब मिक्स कर लिया। इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें खुशबू के लिए, फिर इसमें हम डाल देंगे गुड़ पाउडर, जैगरी पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया लड्डू में टेस्ट आएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर सूखा लगे तो घी थोड़ा सा गरम करके घी डाल देंगे इसमें। तो देखिए मैंने ऊपर से घी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें उतना ही घी डालना है जितना कि ये अच्छे से लड्डू बंध जाए। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और तो चलिए इसमें हमने डाल देते हैं वाटरमेलन सीड, और चिरौंजी को मैंने अलग से निकाल लिया था। इससे साबुती डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें लड्डू बना लेना है, और बहुत ही ज़्यादा देखिए इस तरह से बना लेंगे। और ऐसे लगे कि ये थोड़ा सूखा लग रहा है, ड्राई लग रहा है, तो आप घी डाल सकते हैं, लेकिन ये बाद में सेट हो जाता है, क्योंकि घी सर्दियों का मौसम है और घी भी डाला है तो घी जमने लगता है, तो लड्डू सेट हो जाते हैं। तो देखिए लड्डू हमारा बनके तैयार है, सेहत से भरपूर। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब